राम राम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है आपका। देखिए आज अपन बात कर रहे हैं, प्रमुख टॉपिक है भारत के बंदरगाह। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है, नावा सेवा, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम व आधुनिक बंदरगाह है। बंगाल में देखिए कलकत्ता एशिया का प्रमुख बंदरगाह है और भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। बंगाल में हल्दिया है बंदरगाह। इसके बाद में अपन बात करें तमिलनाडु, तमिलनाडु में चेन्नई भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह ये दक्षिण में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह यह भारत का प्रथम निर्मित व प्रथम व सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। केरल में है कोचीन, यह मुंबई और कोलंबो के मध्य महत्वपूर्ण बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है और देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। गुजरात में देखिये कांडला उत्तर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसे ज्वारिया बंदरगाह भी कहते हैं और इस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। और गुजरात में दाहेज बंदरगाह है, इसे रासायन बंदरगाह कहते हैं। इसके बाद में गोवा, गोवा में मारमागाव बंदरगाह है और कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह है। तो ये प्रमुख बंदरगाह थे मित्रों आपके, एक दो बार आप देखोगे इसको बिल्कुल याद हो जाएंगे और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बंदरगाहों से। और एग्जामों में आप देखोगे, पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों में देखोगे तो बिल्कुल आपको बंदरगाहों से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे और ये सभी बंदरगाह एग्जाम में पूछे हुए और उन्हीं बंदरगाहों की मैंने बात करी। बंदरगाह बहुत है, 212 के आसपास बंदरगाह है भारत में, लेकिन अपन ने इनकी बात करी है जो महत्वपूर्ण है, यही बंदरगाह है। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों।